क्षेत्रवाद है, रीजनलिज्म है ना, हिंदुस्तान में फैल रहा है। और आजकल देखो फायदे भी होते हैं इसके, नुकसान भी होते हैं, है ना, दोनों एस्पेक्ट्स है, पॉजिटिव्स भी है नेगेटिव्स भी है। तो अगर हम बात करें है ना रीजनलिज्म क्या है, देखो हम क्या थीम डिस्कस कर रहे हैं, रीजनलिज्म के क्या क्या कॉजेज है, रीजनलिज्म क्यों फैल रहा है और रीजनलिज्म के ना प्रभाव क्या है, इफेक्ट्स क्या है। तो अगर हम देखें इंडिया कैसा है, एक जब हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं, क्या इंडिया एक लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है? ठीक है, अंडरलाइनिंग जो हम बात कर रहे होते हैं कि जो बॉन्ड है हमारे यूनिटी, ये अंडरलाइन कर रहे हैं डाइवर्सिटी को। इवन दो हिंदुस्तान में इतनी डाइवर्सिटी है फिर भी सब लोग इकट्ठा हो गए एक, होता है वी स्टैंड अंडर वन फ्लैग। कहीं ना कहीं ये जियोपॉलिटिकल यूनिटी हम कह रहे हैं, ऊपर पहाड़ है नीचे समुद्र है, बीच में जितने लोग रह रहे हैं हम सब अपने आप को एक यूनिट मान के चल रहे हैं। तो यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं किन चीजों से हम देखते हैं, पिलग्रिमेज के इंस्टीट्यूशंस हैं, अकोमोडेशन का एक ट्रेडिशन है, अतिथि देवो भव ना, हिंदुस्तान में हम इस चीज को करते हैं, कोई भी घर आता है हम उसको भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, मेहमान को खाना पहले मिलता है ना, वही चीज है जो कोई आ रहा है ना उसको हम ज्यादा अकोमोडेटिंग है इंडिया। और एक ट्रेडिशन है हमारा इंटरडिपेंडेंस का, ठीक है, एक दूसरे पे हम इंटरडिपेंड करते हैं। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक बेसिस इंडिया का रहा है हमेशा से, क्योंकि बहुत डाइवर्स है ऐसा कहा जाता है। देखो ना हर 10 किलोमीटर में लैंग्वेजेस चेंज हो रही है, बोलने का तरीका ऐसा होता है, आप रोडू जाओगे रोडू के 10 किलोमीटर अंदर चले जाओ, ऐसे कहते हैं छुआरा की लैंग्वेज अलग है, जुब्बल की लैंग्वेज अलग है ना, बोल सब पहाड़ी रहे हैं बट वो तरीका बोलने का। उसी तरीके से आप हमीरपुर चले जाओ है ना, बाहर से ऐसा लगे भाई सब हमीरपुर एक जैसा ही बोलते होंगे, थोड़ा सा आप चले जाओ 10-20 किलोमीटर इधर उधर लोकल लोगों को समझ आता है। ठीक है, तो एक रीजनल डाइवर्सिटी है, खाने की डाइवर्सिटी है, ठीक है, बट रीजनलिज्म की बात करते हैं हम लोग ना, तो रीजनलिज्म क्या है, एक एक आइडियोलॉजी है और कहीं ना कहीं इसमें ना पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसमें हम अपने रीजन की एडवांसमेंट के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल चाह रहा है कि जो कॉजेज है उस रीजन की, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सामने लाया जाए और उसका एक सोल्यूशन प्राप्त किया जाए। और इसमें जो रीजनलिज्म है नेशनल लेवल पे देखेंगे तो ये प्रोसेस है जिसमें कुछ सब स्टेट एक्टर्स जिसे हम कहते हैं ना, स्टेट के अंदर जो लोग होंगे वो पावरफुल बन जाते हैं बेस्ड ऑन एन इशू, इशू उठा लेंगे रीजन का और फिर पावर कैसे डिवॉल्व कर रही है, सेंट्रल लेवल से रीजनल गवर्नमेंट्स के पास ये पावर डिवॉल्व कर रही होती है। तो अगर हम इन जनरल समझने की कोशिश करें जो हमारा रीजनलिज्म है इंडिया में, है ना, कहाँ से ये उठता है, कहाँ है ना डाइवर्सिटी जो हम बात कर रहे होते हैं, जो डाइवर्सिटी अलग अलग तरह की आपके लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है ना, भाषा हमारे कल्चर में डाइवर्सिटी है, एथनिक ग्रुप्स अलग अलग है ना, एथनिक ग्रुप्स की डाइवर्सिटीज है, अलग अलग कम्युनिटीज है इनकी डाइवर्सिटी है, धर्म की डाइवर्सिटी है, तो अलग अलग लेवल पे डाइवर्सिटी है जिसकी वजह से हम आपस में एक डिविजन बना लेते हैं, एक स्ट्रेटिफिकेशन बना लेते हैं, ठीक है, कि वो अलग है हम अलग है, बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन अ कम्युनिटी, बेस्ड ऑन अ कास्ट, बेस्ड ऑन हाउ वी स्पीक, बेस्ड ऑन द कल्चर दैट वी फॉलो। तो अलग अलग डिविजन्स हम ला रहे हैं जिसके बेसिस पे एक आइडेंटिटी मार्कर की तरह होते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे कंसेंट्रेशन होने लग जाए इन आइडेंटिटी मार्कर्स की तो इससे क्या होता है, इन जनरल रीजनल डेप्रिवेशन की सेंस आने लग जाती है, हम लोग हैं हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, ठीक है, बाकी लोगों के साथ वो डेवलपमेंट हो रही है हम पिछड़े रह रहे हैं, जब ये वाली फीलिंग आने लग जाए ठीक है, वहां से एक रीजनलिज्म बढ़ने लगता है नेगेटिव सेंस में, ठीक है, जब इसको हम आइडेंटिटी लेके चलने लगे। तो जैसे हम कह रहे हैं क्या क्या रीजंस है रीजनलिज्म के, भाषा है ना, भाषा एक रीजन है, और जैसे हम देखते हैं रीजनलिज्म से इसका इम्पैक्ट क्या रहा भाषा से, जैसे आंध्र प्रदेश आंध्रा है ना, पोट्टी श्री रमल्लू जी है ना गांधीयन थे है ना, उन्होंने बड़ा स्टांस लिया था है ना, आंध्रा है इसको डेवलप करने के लिए अलग स्टेट हमको चाहिए, ठीक है ना, तो यस एक लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीजन हुआ है, वैसे ही पंजाब है ठीक है ना, लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवीजन हुआ है ठीक है ना, हरियाणा पंजाब है कि अलग से, एक हरियाणवी बोलते हैं एक पंजाबी बोलते हैं, उस बेसिस पर स्टेट का डिवीजन हो गया था ना, धर्म के नाम पर है ना रीजनलिज्म आ जाता है,
और यहाँ पर अगर इसका हम इम्पैक्ट देखें कहाँ कहाँ, जैसे अभी जम्मू कश्मीर है ना, इसके 3 ऑटोनोमस स्टेट्स हमने जम्मू कश्मीर के बना दिए थे, तो क्या क्या है ना, ये जम्मू कश्मीर का एक जम्मू हो गया, तो जो जम्मू वाला रीजन वो क्या है, हिंदू है, कश्मीर है, कश्मीर ज्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड है, और जो लद्दाख है ये बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर उसका एक इम्पैक्ट आता है, धर्म था, धर्म के बेसिस पर अब वो एक अपनी आइडेंटिटी और फिर दूसरे से अपने आप को अलग समझना, और फिर अलग स्टेट चाहिए, अलग जगह चाहिए रहने के। फिर जैसे हम देखते हैं कि रीजनल कल्चर है, एथनिसिटी है, इसके बेसिस पर भी होता है किस तरीके से हम रहते हैं, हम क्या खाते हैं, हमारा थोड़ा रहने पहनावे खाने का तरीका अलग, भगवान को मानने का तरीका अलग, जो रीजनल कल्चर होता है। जैसे हम देखेंगे झारखंड, बिहार और झारखंड में जब डिफ्रेंसिएशन किया गया, कहीं ना कहीं बेसिस है ना वहां पर क्या था, रीजनल कल्चर है, ये कल्चर दोनों का अलग था। फिर कई बार इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, ये एक बेसिस बन जाता है, ठीक है, इसकी जहां पर भी डिप्रीवेशन हो रहा है कि एक जगह पर रिसोर्सेज ज्यादा है, एक जगह पर रिसोर्सेज कम है, इस वजह से भी एक डिफरेंसिएशन आने लगता है। स्टेट के अंदर सब कैटेगराइजेशन होने लग जाती है, जैसे आप महाराष्ट्र देखो, महाराष्ट्र में जो विदर्भ रीजन है, विदर्भा है ना, सूखा एरिया है, पिछड़ा एरिया है, ठीक है। आंध्र को देख लो, ये जो डिवीजन हुआ आंध्र प्रदेश में, ठीक है, हैदराबाद है ना, अलग क्यों किया गया, कौन सा रीजन बना था, तेलंगाना है ना, तो कोस्टल आंध्रा और तेलंगाना इन दोनों में डिवीजन का रिफ्ट का बेसिस क्या था कि एक थोड़ा इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, कोस्टल आंध्रा था वो थोड़ा ज्यादा अमीर था, ठीक है ना। तो हाँ, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इसके बेसिस जैसे स्प्लिट है यहाँ पर तेलंगाना का ना, ये डिमांड हुई थी सेपरेट, ये विदर्भा ये डिमांड कर रहा है, सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र आपका अलग से डिमांड कर रहा होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि थोड़ा इकोनॉमिकली रिलेटिवली बैकवर्ड है। और फिर ये क्या कहते हैं, फिर वही होता है ना कि इस इलाके के जो लोग हैं, बेसिकली जो अमीर इलाके के लोग होते हैं वो ज्यादा पावर में आ पाते हैं, है ना। इलेक्शन कौन जीतेगा, जिसके पास पैसा होगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सीएम कौन बनेगा, जो अमीर होगा, ठीक है, जिसके पास पैसा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इलेक्शन क्या पैसे पे बेस्ड रहते हैं, खर्चा कितना किया है ना। तो उस अब क्या हो रहा है, पावर स्ट्रगल में पावर किसके हाथ में आ रही है, जो अमीर है, तो जो डिप्राइव्ड एरिया होता है उसको ऐसी फीलिंग आती है कि हम पिछड़े क्यों हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पिछड़े हुए इसलिए हम पावर में नहीं आ पा रहे, तो क्या करते हैं, डिवाइड करो, यहाँ की अलग पार्लियामेंट बनाओ, अलग लेजिस्लेचर बनाओ स्टेट का, और फिर वहां पर हम आगे आएंगे, ठीक है, तभी एक रिजर्वेशन की डिमांड भी होती है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज ये भी बढ़ रही है, रीजनल पार्टीज जब बढ़ती है वो क्या करती है, रीजनल इश्यूज को सामने लाती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल दीदी, ठीक है, पार्टी और जीतते हैं हमेशा, है ना, क्या रीजन है, वो रीजनल इश्यूज को उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो फिर रीजनल फ्लेवर लेके आते ही हैं, हमेशा थोड़ा सा अपने आप को अलग रखने की कोशिश, कि सेंटर अलग है, स्टेट अलग है, ठीक है, और उन्होंने अपनी वो बांग्ला कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। तो यस, इसी तरीके, बट देखो क्या ये चीज अच्छी है या बुरी है, देखो इस चीज को अगर हम समझने की कोशिश करो ना, अगर रीजनल इश्यूज सामने आ रहे हैं और रीजनल इश्यूज का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है ना, कि अगर रीजनल इश्यूज नहीं, तो एक सेंट्रल लेवल पे जब कोई चीज देखेगा, ठीक है, उसके लिए रीजनल इश्यूज क्या इतने इंपॉर्टेंट होंगे, उस स्टेट के लिए ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, उस स्टेट के रीजनल इश्यूज, ठीक है ना। तो ये बात भी है कि हर स्टेट की कुछ अपने डिमांड होती है, तो हाँ अगर रीजनल पार्टी वहां पर आकर जीत रही है, और वो अब आप देखो बड़ी स्टेट्स है उनमें रीजनल पार्टीज जीत जाती है, इवन यूपी में देख लो आप, है ना, नेशनल लेवल पे आपका नेशनल लेवल पे पार्टी कोई जीत रही होगी, वहां पर पैरेलली दूसरी पार्टी आ रही है, ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, यूपी में इतनी सीट्स हैं कि वो आपका पार्लियामेंट को इफेक्ट करती है, लोकसभा है, लोकसभा में उनकी सीटें ही इतनी है कि वो इफेक्ट करेगी, अगर उस रीजनल पार्टी से लोग सेंट्रल लेवल पे है, तो क्या वो सेंटर को भी उन रीजनल इश्यूज के लिए अवेयर करेंगे और सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हाँ रीजनल पार्टीज अच्छी है, हाँ अगर पॉलिटिसाइजेशन होती है तो उसको प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कभी कभी ना कुछ लोग ये जैसे दीदी को क्वेश्चन कर रहे होते थे कि जब वो हम बांग्लादेश के साथ थोड़ा ना वो कर रहे थे कि जब इनक्लेव्स का इशू हुआ था,
उस टाइम पर थोड़ा कि है ना इंडिया के लेवल पे हम बोल रहे कर देना चाहिए, पर्सनल लेवल पे थोड़ा उसको क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो देखो अगर कोई इशू सामने ला रहा है तो वो ठीक है ना, बट हाँ अगर पॉलिटिसाइजेशन हो गया, रीजनलिज्म बढ़ा रहे हैं, वो एक गलत चीज है, ठीक है, दोनों चीजें नहीं। बाकी सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्राइन है, ठीक है, इसमें कि पहली प्रेफरेंस किसको मिलनी चाहिए, जो इंसान उस जगह पर रहता है। तो यहां पर भी देखो कुछ आस्पेक्ट्स में इसको सही भी ठहराया जा सकता है, ना कि उस एरिया के रिसोर्सेज का फर्स्ट बेनिफिट उनको होना चाहिए जो वहां पे रह रहे हैं। ऐसा क्यों, जैसे हम ये चीज देखते हैं ना कि मान लो कहीं बाहर से कोई इंडस्ट्री गई, जैसे ट्राइबल एरिया में हम इसको देखते हैं, जब इंडस्ट्री जाती है क्या उस इंडस्ट्री के ऊपर ये जैसे हम ये कहते हैं ना कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुछ आस्पेक्ट हम डालते हैं कि उस इंडस्ट्री को उन लोगों की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, इतने परसेंट उन ट्राइबल्स को जॉब में लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो लोकली उन लोगों के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सन ऑफ द सॉल्ट सॉइल डॉक्ट्राइन का बेसिस रहता है कि वहां के लोगों, जैसे यहाँ पर अब हिमाचल में जो कंपनीज आएंगी प्राइवेट कंपनीज की, एक प्रपोर्शन जो लोअर लेवल जॉब्स की है, जैसे मान लो क्लरिकल जॉब वगैरह रहेगा, उसमें प्रपोर्शन हिमाचल की। या आप जैसे ये चीज देखो कि अगर हिमाचल प्रदेश में जो जॉब्स हैं, जो क्लरिकल जॉब्स होती है, क्या उसमें डोमिसाइल डिमांड करते हैं कुछ जॉब्स में, ना प्रेफरेंस हिमाचलियों को दी जाएगी, या इवन अपर सर्विसेज में भी कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू पीपल विद हु आर मोर वेल वर्स्ड विद हिमाचल कल्चर ट्रेडिशन। क्लास वन क्लास टू के स्टेट में हम नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन, बट अदरवाइज जो लोअर लेवल जॉब जो वहां पर होता है, ठीक है, तो ये वो सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्राइन से जुड़ता है। बट इश्यूज क्या हो जाते हैं इससे, अब जैसे एग्जोडस हुआ था है ना, बैंगलोर से नॉर्थ ईस्ट वालों को भगाया गया था, महाराष्ट्र से बिहारियों को भगाया गया था, है ना, वो सारे एस्पेक्ट क्या थे, है ना, वो फिर एक नेगेटिव कॉन्टेशन आ जाता है कि दूसरों के ऊपर गुस्सा ही हो जाना कि यार ये तो गलत कर रहे हैं, गलत आ रहे हैं हमारे देश में। तो महाराष्ट्र में जैसे हुआ था है ना, महाराष्ट्र फॉर मराठी, गुजरात फॉर गुजरातीज, जब ये डिमांड आने लग जाए, ये अपने आप को कि हम तो अलग कंट्री की तरह बिहेव करेंगे, बाहर वालों को नहीं आने देंगे, वीजा लगा दो स्टेट को हरे भरे आने जाने में, जब ये वाला टेंडेंसी आने लग जाए वहां, और उसकी वजह से फिर वॉयलेंस होने लग जाती है, ठीक है, और फिर इंसान ये भी नहीं देखता कि इकोनॉमी में कितना उनका बेनिफिट हो रहा है। तो ये सारे इम्पैक्ट्स हैं, और जब हम देख रहे हैं तो डॉक्ट्राइन्स है जिसके बेसिस पर बढ़ रहा है रीजनलिज्म। दिक्कतें क्या है इसकी, है ना, क्या इसकी वजह से इंसर्जेंसी बढ़ सकती रीजनलिज्म, ठीक है, जो हम यूनिटी की बात कर रहे होते हैं, एक सिक्योरिटी चैलेंज हो जाता है। मान लो जैसे पंजाब है, एक खालिस्तान वाला इशू चल रहा है पंजाब में, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, रीजनलिज्म, ये चाह रहे हैं कि पंजाब को अलग करो, है ना, खालिस्तान बनाएंगे, है ना, देश के बीच में अभी भी ये चीजें हो रही है, और उससे वायलेंस बढ़ती जा रही है। बीच बीच में हुआ था एक बार, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा था, है ना, तो लोग एक तरफ इकट्ठे हो गए थे, ठीक है, फिर भिंडरावाला जी, है ना, और वहां पर अपोजिट, और कई लोग उनको सही मानते हैं, वही ना सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्राइन का पर्सपेक्टिव लेके चले तो वो उनको कुछ लोग ठीक मान रहे हैं, बट हाँ जब वायलेंस होने लग जाए तब वो दिक्कत करने लग जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी बढ़ेगी, और फिर ये दिक्कत है, है ना, ये प्रोपोगेट कर रहे हैं रीजनलिज्म, और इसकी वजह से जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है ये एकदम देश का चैलेंज हो जाता है, शेक हो जाता है। डेवलपमेंट की हम अगर बात करें तो ये थोड़ी एसिमेट्रिक डेवलपमेंट होने लग जाती है इसकी वजह से। जैसे हम देखें ना कि रीजनलिज्म की जो डिमांड है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नेशनल डिमांड है इसके कंपैरिजन में अंडरमाइन होने लग जाती है। ओवरऑल जो नेशनल पर्सपेक्टिव है इसकी जगह, क्यों, अगर जो इंपॉर्टेंट लीडर्स जहां जहां से है ना वहां पर डेवलपमेंट, तो एक अनरेस्ट सा होने लग जाता है बाकी रीजन्स में, फिर वो परेशान होने लग जाता है। और एक होता है ना कि नेशनल लेवल पे हमारा एक पर्सपेक्टिव जो चल रहा है वो डिविएट हो सकता है रीजनल डिमांड्स, रीजनल पर्सपेक्टिव की वजह से। और वो ये कि फिर वो एक होता है ना कि बड़ा बेनिफिट देश के लेवल पे हो रहा है, अगर किसी इंडिविजुअल का, एक थोड़े लोगों का अगर पर्सपेक्टिव दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है तो उस पूरे प्रोजेक्ट को ही चैलेंज करने लग जाता है, फिर वहां दिक्कत होने लग जाती है। फॉरेन पॉलिसी में कई बार इस तरह से दिक्कतें आने लग जाती है, जैसे रीजनल इशू की वजह से, जैसे ये चीज देखी गई थी ना कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के टाइम पर हम क्या कह रहे थे, जैसे तीस्ता वाटर शेयरिंग था ना, तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग है, तो तीस्ता जा रही है ना, ये आती है और ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, हमारा वेस्ट बंगाल है उधर बांग्लादेश है, दोनों के बीच से जा रही, तो इसके वाटर के डिवीजन के ऊपर चल रहा था, जब हम डैम बना रहे थे ऊपर तो क्वेश्चन किया जा रहा था, तो दोनों हम
कोशिश कर रहे थे एक डिसीजन पे आने की, इंडिया और बांग्लादेश, और उस टाइम पर वेस्ट बंगाल बीच में प्रेशर सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, या वो एनक्लेव इशू जब हुआ था, क्योंकि देखो नॉर्मली ये चीज कही गई है ना कि तभी हम कहते हैं कि स्टेट सेंटर कैन प्रिवेल ओवर द स्टेट इन सम इश्यूज ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे मान लो इनक्लेव इशू था, इनक्लेव इशू में भी सिंपल है, एक डॉक्ट्राइन बनी हुई है कि अगर एक इशू को सुलझाने के लिए है ना कुछ टेरिटरी एक कंट्री से दूसरी कंट्री को दी जा रही है, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड कि आप एक टेरिटरी दे रहे हो, वो ऐसे कि बाउंड्री सेटलमेंट के लिए किया जा सकता है, दैट गोज थ्रू सिंपल मेजोरिटी सिंपली करना, बट फिर वो इशू उठ गया था इसलिए फिर वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ा था, क्योंकि यस दीदी की स्टैंडिंग रही, उनके पास लोग थे पार्लियामेंट में, तो उन्होंने अपोजिशन करना शुरू कर दिया था, बट फिर उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री यूनाइटेड फॉर्म में नहीं दिखती कि भाई एक डिसीजन ले लिया गया है, उसमें फिर एक स्टेट अपोजिशन कर रही है, इस वजह से नेशनल डिसीजन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी कभी चैलेंज हो जाती है। वैसे ये अपोजिशन के लिए एक पॉइंट वाली बात है, बट अदरवाइज देखो इन जनरल डॉक्ट्राइन में ही हमारे पास सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है और वो ओवरराइड कर सकता है, यहां पर ये चीज थी कि उनके लोग थे पार्लियामेंट में और अपोज कर रहे थे, तो एक चीज होती है कि अगर कोई अपोज करने की पावर रखते तो अच्छी बात है ना, डेमोक्रेसी में आप क्वेश्चन तो कर पा रहे हो, ये एक अच्छी बात है, ठीक है, सेंटर के पास ओवरराइडिंग पावर्स है, बट फिर भी हाँ अगर हम क्वेश्चन करें तो हाँ ऑन अ फॉरेन पॉलिसी लेवल थोड़ा सा देश की बेइज्जती तो हुई थी वो बात, बाकी फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होने लग जाते हैं, जैसे आर्टिकल 19 क्या कहता है, जहां जाना है जाओ, जहां रहना है रहो, है ना, आप कहीं भी फ्रीडम मूवमेंट की है आपके पास, वो चीज कर्टेल हो रही है, अब जैसे बोला महाराष्ट्र फॉर मराठी, वो मराठी मानुष जो हाँ सन ऑफ द सॉइल, तो बाकी लोग कई लोग तो डर के भाग जाएंगे, कई लोग वहां नौकरी नहीं लेंगे कि भाई गए तो क्या पता मार पड़ जाए, ठीक है ना, तो ये क्या है, तो इंडिविजुअल का जो फंडामेंटल राइट है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, वो वाली बात, तो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन हो सकती है मूवमेंट की, प्रोफेशन की, कहीं ना कहीं इससे आर्टिकल 19 है ये मतलब चैलेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि लोग वो डर जाते हैं कि मिसट्रीट हो जाएंगे, वल्नरेबल रहेंगे, खासकर और ज्यादातर कौन होते हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस जो हम कहते हैं ये कहीं ना कहीं रीजनलिज्म उसके अगेंस्ट चला जाता है, जैसे कल्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडिया रहते हैं, जैसे हम सिंक्रेटिक डेमोक्रेटिक फेडरल पॉलिटी ये जो बातें कर रहे हैं, ये आइडियाज क्वेश्चन होने लग जाते हैं अगर रीजनलिज्म एक नेगेटिव कॉनोटेशन में स्ट्रांग हो जाए, बट क्या रीजनलिज्म के फायदे भी है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर देखा जाए, एक सिमेट्रिकल डेवलपमेंट हो रही है, जो इंसान देखो ना एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर पा रहा है एक ग्रुप, जब वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं, फिर वो डिमांड कर रहे हैं हमको यहाँ पर डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट भी होती है, ऐसा नहीं कहा जाता जो बच्चा रोता नहीं है ना उसके वो ध्यान भी कम रखते हैं, वो बात भी है, तो यहाँ पर तो सिमेट्रिक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे होते हैं कि रीजनल एस्पिरेशंस जो लोगों की है ये एक बैलेंस बना के रखती है रीजनल डेवलपमेंट के साथ, जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो ध्यान रखती है, इससे क्या हो रहा है जो डिस्पैरिटी है वो मिनिमाइज होती है, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है हमारा, है ना, नीति आयोग इसकी बात करती है कि जो ग्रोथ रीजन्स है इनको आपस में भी कम्पीट करना चाहिए इश्यूज बेस्ड, ठीक है, उससे क्या होता है सबकी डेवलपमेंट होती है, तो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, और इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स है वो नेशनल ग्रोथ के लेवल पर आएंगे, तो एक रीजनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट, अगर वो अलग अलग दिख रहे हैं फिर तो अपने डेवलप आपस में कंपटीशन की भावना रख रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, बट हाँ इसमें कैसी भावना होनी चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स वाली होती है ना, तभी जो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म हम देखते हैं, दो शब्द यूज करता है नीति आयोग, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कि दो स्टेट्स है और सेंटर और स्टेट है आपस में कोऑपरेशन करेंगे, और कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म आपस में कॉम्पिटिशन करेंगे, जैसे कि स्वच्छता अभियान, ये जो स्वच्छता के इंडेक्सेस निकाल रहे हैं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाल रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, है ना, कि आपस में एक कंपटीशन ला रहे हैं ताकि डेवलप करने की कोशिश स्टेट्स करें, फिर एक डेमोक्रेटिक एथोस जिसे हम कह रहे हैं, जैसे रीजनलिज्म से क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या कहती है कि भाई डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, है ना, तो यहाँ ये पॉजिटिव आस्पेक्ट है, अगर एक स्टेट को दिक्कत है उसको बोलने का हक होना चाहिए ना यार, है ना, अगर एक रीजन है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अब सच है ना,
अब हम जब भी बात करते तेलंगाना, ये सच है ना कि कोस्टल आंध्रा है वो ज्यादा डेवलप हुआ है, बाकी रीजन कम डेवलप हो रहा है और वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, पावर स्ट्रक्चर में अगर आप देखो, मिनिस्टर्स अगर आप जनरली देखते, ज्यादा एक एरिया से थे, है ना। ठीक है, रीजन से हर जगह से एमएलए तो आ जाएगा, पर मिनिस्ट्री किस किस को मिल रही है ना, वो एक प्रश्न था। ठीक है, इसके अलावा एक सेफ्टी वॉल्व की तरह भी ये काम करते हैं। कांग्रेस जब बनाई गई थी, सेफ्टी वॉल्व की तरह थी कि कोई भी पंगा होगा वो डिस्कशन डिबेट करके इशू को सामने लाएगी। तो वैसे ही जो हमारे डाइवर्स डिस्कोर्सेज है, ये लोग क्या करते हैं, है ना, अपनी प्रॉब्लम को सामने लाते हैं, तो उसका टाइमली रिड्रेसल भी हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे इशू वो बढ़ा कि सीमेंट का प्राइस बढ़ गया, तो जिन लोगों पे इम्पैक्ट पड़ रहा था उन्होंने करा ऑपोजिशन। ठीक है, कई बार जैसे सेव वाला ग्रुप है एमएसपी डिमांड कर रहा होता है, अभी प्रॉब्लम हो रही है, प्राइस कम मिल रहा है, तो डिमांड करने लग जाते हैं कि एमएसपी है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, एक जगह भी मिलती है ना ऑपोजिशन करने की, नहीं तो क्या होना था, नहीं तो फिर लोग वायलेंस पे उतर आएंगे। जब कांग्रेस बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, कि भाई इनसे डिस्कशन कर लो, नहीं तो ये तो लड़ जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ऑपोजिशन होने लग जाए। इसलिए एक सेफ्टी, तो इसी तरीके से फेडरल पॉलिटी में ये एक सेफ्टी वेल्व की तरह है ना, जो हमारे पॉलिटिकल एथनिक कल्चरल लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो डिमांड्स रहती है पॉलिटी की, है ना, वो इसको लोगों के सामने लाती है और इससे कहीं ना कहीं देश की वाइबिलिटी रहती है। ठीक है, वो वाइबल फॉर्म में आगे वर्क करते रहते हैं। कोई भी थीम उठा लो, अगर एक एक्सट्रीम में जाओगे या दूसरी एक्सट्रीम में जाओगे वो दिक्कत करता है। ठीक है, वही है मध्य मार्ग, गौतम बुद्ध कहते हैं मध्य मार्ग उसकी।